नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र टिक्कू है। मेरे लाइफ पेज में आज आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता था और मैंने थिएटर पे काफ़ी जल्दी यंग एज में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। दूरदर्शन का सफ़र शुरू हुआ, दूरदर्शन में सीरियल्स किए, उसके बाद और चैनल्स आए, उन पे सीरियल करना शुरू किया, एड फिल्म्स करी और ग्रेजुअली वन थिंग लेड टू अनदर। एड फिल्म्स के बाद फिल्में करी और अब फुल टाइम फिल्मों में ही एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्टिंग आम जिंदगी है। आप जो जिंदगी में करते हैं वही एक्टिंग है। जैसा आपने बहुत फेमस डायलॉग सुना है आनंद फिल्म का कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है, और हम फिलोसफिकली भी यही कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब उसके एक्टर्स हैं। तो हमारी लाइफ एक्चुअली एक्टिंग ही है। अब हम उस एक्टिंग को कभी कभी प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, आपने बहुत साहित्य पढ़ा है अच्छा, और कल को आपको एक प्रोफेसर का रोल मिला, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें सिर्फ बैकग्राउंड में सब दिमाग में रहती हैं। तो आप अच्छा साहित्य पढ़ के जब जाएंगे तो आपको आपको पता होगा कि हाँ जी, हम इस बारे में बात करेंगे, हम फिलोसफी पढ़ा सकते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, हम वर्ल्ड साइंस पढ़ा सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो आपके बॉडी पोस्चर में, आपके बात करने के ढंग में, आपके स्टाइल में एक वो बात आ जाती है। और एट द सेम टाइम अगर आपको गुंडे का रोल करना है तो उसके लिए आपको वो सब चीजें काम नहीं आएंगी। उसमें आपको वही गाली गलौज वाली किताबें भी पढ़नी पड़ेंगे कि हाँ यार, ये भी ऐसा है, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, क्या क्या कहते हैं झापड़ खींच के। तो ये भी बहुत जरूरी है और वो भी बहुत जरूरी है, जहां पे कि आप वो भी निभा सकें, ये भी निभा सकें और सब हर तरीके का कैरेक्टर निभा सकें। तो उसके लिए आप उसी हिसाब से पढ़िए, उसी हिसाब से नोटिस कीजिए और उसी हिसाब से आप दुनिया को देखिए, ताकि आप हर तरीके के मंझे हुए एक्टर बन सके। लर्निंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली सीखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तालाब का पानी रुक जाए तो उसमें गंध आनी शुरू हो जाती है। तो वाटर हैज टू कीप फ्लोइंग। जब तक आप चल रहे हैं, सीख रहे हैं, तब तक जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मैं पर्टिकुलरली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूं। फॉर मी ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, बट सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, स्टार और बाकी सारी चीजें जो हैं उसके लिए ठीक है। बहुत से लोग ये सोच के जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो नाम होगा, पैसा होगा, रिकॉग्निशन होगा, फेम होगा, सब दे आर ऑल पॉजिटिव्स ऑफ एक्टिंग ओनली, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे की नौकरी करी, सुबह 10 से लेकर 5 तक या 6 तक जो भी है, और घर चले गए, जगह जाके अपना फ्रिज खोला, दूध निकाला, पिया, घर में लोगों के साथ बैठ के बात करें, हम लोगों की फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है। रात रात में आते हैं, सुबह निकल जाते हैं। आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ अपना, सुबह उठ के नहाया धोया और उसके बाद मैं सीन जरूर देखता हूँ जो मेरे पास आया हुआ होता है कि ये सीन है, उसको पढ़ता हूँ, अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहता हूँ अपने डायलॉग्स को लेकर। फिर वहां पे जैसे होता है एक्टर की जिंदगी में, फिर कॉस्ट्यूम वाला आएगा, फिर मेकअप वाला आएगा, हम लोग वैन में होते हैं, वैनिटी में, फिर वो मेकअप कर किया जाता है, बकबक होती है, चाय कॉफी पानी पीते हैं, फिर उसके बाद शूटिंग शुरू होती है, सेट पे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग साथ ऐसी हो जाती हैं कि सेट पे पहुंच के पता चलता है कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता था, अब ये तो ऐसे करना पड़ेगा। कभी लाइट नहीं होती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी एंगल से हम इस हाथ को यूज करना चाहते थे, हम उस हाथ को यूज नहीं कर सकते, हमको ये हाथ यूज करना पड़ता है। तो ऑल दोस थिंग्स आपको
अपनी जगह से थोड़ा दहला देती हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। शूटिंग करते हैं दिन में, लंच वंच होता है, लंच किया तो और कोई खास बात नहीं, घर आए, घर आके फिर सो गए, कितने बजे खाता, दिस इज द आम रूटीन। उसके अलावा जब मेरी शूटिंग नहीं होती है, हाँ मैं, मेरी किताब मेरे साथ हमेशा होती है, मैं शूटिंग पे हमेशा अपने साथ बुक लेके गया होता हूँ, और या आईपैड होता है तो कोई मूवी देख रहे हैं अगर बीच में समय मिल गया, और नहीं तो किताब पढ़ता हूँ मैं, और बस ये मेरा लगभग आम दिन होता है रोज का। मेरी बातें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने ओवरव्यू दिया है अपनी एक्टिंग के बारे में या एक्टिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।